बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए लालू के लाल तेज ने बना ली 15 लोगों की टीम। हवाई अड्डे पर घेरने की हो रही तैयारी। बागेश्वर बाबा को पप्पू यादव ने कहा चोर चिल्लर। मंत्री चंद्रशेखर तेजस्वी का नाम लेकर धीरेंद्र शास्त्री को डराने लगे। तेज प्रताप यादव का 6 साल पुराना संगठन फिर हुआ धीरेंद्र शास्त्री के लिए एक्टिव। किसी ने ट्रोल किया, किसी ने स्वागत किया। बागेश्वर बाबा पर बिहार में घमासान। नेताओं ने हिंदू बाबा को सभा करने से रोकने से ठान ली। बिहार में बागेश्वर बाबा पर घमासान। तेज प्रताप बोले नहीं घुसने दूंगा। नीतीश कुमार अब तक तलाश रहे हैं अपना जवाब। इधर तेजस्वी का नाम लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने धीरेंद्र शास्त्री को ही डराना शुरू कर दिया। आडवाणी की याद दिलाते हुए चंद्रशेखर धीरेंद्र शास्त्री को आंख दिखाने लगे। उधर पप्पू यादव ने बागेश्वर बाबा को चोर चिल्लर बताकर कहा है कैसे कैसे लोगों पर आप भरोसा करते हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो महागठबंधन का खेमा बागेश्वर बाबा को बिहार में सभा लगाने देने के सख्त खिलाफ है। वहीं बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। कहा जा रहा है 1300 एकड़ में उनकी सभा लगने वाली है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है बागेश्वर बाबा के समर्थक तैयारी तेज कर रहे हैं। और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अपने पुराने संगठन में जान भर रहे हैं ताकि धीरेंद्र शास्त्री को पटना हवाई अड्डे पर ही रोक लिया जाए। तेज की तैयारी आपको बताएं, उससे पहले जरा बिहार के अन्य नेताओं के बयान के बारे में जान लीजिए। धीरेंद्र शास्त्री 13 मई से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। शास्त्री का पटना के नौबतपुर में दिव्य दरबार भी लगने वाले हैं। लेकिन उनके दौरे के पहले ही बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री का वही हाल होगा जो लालकृष्ण आडवाणी का हुआ था। चंद्रशेखर बोले जैसे आडवाणी जेल गए थे वैसे ही धीरेंद्र शास्त्री भी जेल जाएंगे। चंद्रशेखर ने बागेश्वर बाबा को चेतावनी देते हुए कहा कि तब आडवाणी को लालू यादव ने जेल भिजवाया था, अब बाबा बागेश्वर को तेजस्वी यादव जेल भिजवाएंगे। वहीं पप्पू यादव ने भी बागेश्वर बाबा के बारे में सवाल पूछे जाने पर बोला है आम जनता क्यों इन चोर चिल्लर बाबाओं पर विश्वास करती है। इधर तेज प्रताप यादव ने धीरेंद्र शास्त्री को रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। तेज प्रताप यादव ने धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कहा कि बिहार में किसी को भी धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। बाबा बागेश्वर अगर ऐसा करने आ रहे हैं तो पटना एयरपोर्ट पर ही वह बाबा बागेश्वर को घेर लेंगे। धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा, तैयारी पूरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तेज प्रताप के स्लोगन के बाद उनकी पार्टी आरजेडी भी बाबा बागेश्वर के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। बता दें तेज प्रताप यादव पहले से ही एक धर्म निरपेक्ष सेवक संघ DSS नाम के संस्था चलाते हैं जिस ग्रुप को उन्होंने अब दोबारा एक्टिव किया है। उन्होंने इस ग्रुप की तस्वीर भी साझा की है। बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम बिहार में 13 से 17 मई तक प्रस्तावित है, आज से 10 दिन बाद। अब देखना है ये कार्यक्रम सफल होता है या बिहार के मंत्री इसे रोकने में सफल होते हैं।